नमस्कार, मैं हूं शरद व्यास। इंडिया फर्स्ट की खास पेशकश हॉस्पिटल ऑफ हॉरर की सीरीज में आपका स्वागत है। जी हां, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके स्वास्थ्य विभाग ने लगता है पूरे मध्य प्रदेश को बीमार करने का फैसला कर लिया है। पहले तो खुद स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले के अस्पताल और अब सिवनी का सरकारी अस्पताल, जहां ना तो मरीजों के लिए सोने की व्यवस्था है ना ही सफाई की कोई इंतजाम। यहां तक कि डॉक्टर्स की मनमर्जी भी यहां जोरों पर है। देखिए भ्रष्ट हो चुके स्वास्थ्य विभाग पर इंडिया फर्स्ट की एक और पड़ताल। हम लोगों को ना बेड दिया गया है ना कुछ नहीं, कुछ व्यवस्थाएं नहीं। बाथरूम भी इतनी गंदी और व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। जो डॉक्टर हैं वो ज्यादातर ध्यान जो है प्राइवेट क्लिनिकों में अपना समय बिताते हैं। डिलीवरी के समय उनसे लेन देन की बात की जाती है, पैसों के बगैर उनकी डिलीवरी या तो उनको ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया जाएगा या तो आप रिफर कर देंगे अन्य प्राइवेट क्लिनिकों में, और उन प्राइवेट क्लिनिकों में यहीं से डॉक्टर जाकर उनका ऑपरेशन करते हैं। वैसे तो इस विभाग को हर साल करोड़ों का बजट मिलता है, लेकिन वो पैसा आखिर जाता कहां है, इस बात का जवाब तो खुद मंत्री जी ही दे सकते हैं। लेकिन प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की यह हालत देखकर जरूर लगता है कि मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। इंडिया फर्स्ट के हॉस्पिटल ऑफ हॉरर की सीरीज में ऐसे ही और सरकारी अस्पतालों की असलियत आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और लॉग ऑन करें इंडिया फर्स्ट .online पर। नमस्कार।